लंबे इंतजार के बाद गुरुग्राम और फरीदाबाद में शॉपिंग मॉल्स खुल चुके हैं। हरियाणा सरकार के सख्त निर्देश हैं कि शॉपिंग मॉल्स को सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराना होगा। इसी का जायजा लेने के लिए टोटल टीवी संवाददाता गुलशन ग्रोवर ने मॉल का जायजा लिया और लोगों से खास बातचीत की। लंबे इंतजार के बाद आज से मॉल खुल गए हैं। इस समय आप देख सकते हैं तस्वीरें मेरे सामने, लोग जो हैं मॉल के अंदर अब आना शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 गज की दूरी यहां पर रखनी अनिवार्य है और उसी को देखते हुए 2 गज की दूरी यहां पर बनाए रखी हुई है और लोग जो हैं अभी अंदर की ओर प्रवेश हो रहे हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप जो है मोबाइल से चेक किया जा रहा है, जो कि सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर पहले आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल पर चेक कर रहे हैं और उसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है हर किसी की जो भी अंदर एंट्री कर रहा है और उसके बाद यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। मेटल डिटेक्टर मशीन से जो कि अंदर जाने की अनुमति यहाँ से दी जा रही है। ये अंदर का नज़ारा है जो कि आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आज ये तमाम जो शोरूम संचालक हैं आज इन्होंने अपनी अपनी शॉप्स जो हैं खोली हैं, लेकिन अभी ग्राहक का इंतज़ार जरूर करते हुए नज़र आ रहे हैं तमाम शोरूम संचालक, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अभी मॉल खुलने यहाँ पर धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं और ये तमाम शोरूम संचालक हैं और अब काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद इन्होंने अपने मॉल खोले हैं। पहले मैं यहाँ जान लेता हूँ कि व्यवस्थाओं के बारे में, आज काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद मॉल खुले हैं, आप भी यहाँ पर आए, किस तरह से आप देख रहे हैं और खासकर जो इंतजाम है उसको लेकर के क्या? आज एक्चुअली हमारे लिए बहुत ही ऑस्पिशियस डे है कि 3.5 महीने के इंतज़ार के बाद हमारे मॉल्स आज खुले हैं। हमने सारी व्यवस्थाएं ऐसी तो की हैं कि कोई भी कस्टमर विजिटर जो आता है वो अपने आप को सेफ महसूस करे, सुरक्षित महसूस करे और सेम टाइम उसको अपनी शॉपिंग करने में आनंद आए जैसे वो आनंद पहले लेता आया था। हमने सरकार का जो डायरेक्शन है उसको बखूबी फॉलो किया है। देखिए ये बिल्कुल अहम जिम्मेदारी है जो कि बताई गई है। मेरे साथ एक मैडम भी है, मैं उनसे जान लेता हूँ। मैडम, काफ़ी लंबे इंतजार बाद मॉल खुले हैं, क्या कहेंगे? 3.5 महीने के बाद, पर दे हैव डन अ फैबुलस जॉब। हर जगह जो मार्किंग करी है, जो जहाँ सैनिटाइजेशन है, एवरीथिंग इज डन वेरी वेल। और भी शोरूम संचालकों के पास आपको ले चलते हैं। काफी लंबे अंतराल के बाद आपने शॉप खोली है और स्पोर्ट्स की आपकी आखिरकार दुकान है, तो लग रहा है कि ग्राहक आपके आने की उम्मीद है? डेफिनेटली आने की उम्मीद है। थोड़ा ग्राहक डरा रहेगा कुछ दिन के लिए, लेकिन थोड़े टाइम में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और ये 3.5 महीने का जो टाइम पीरियड है ये भी निकल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कस्टमर डे बाई डे इम्प्रूव होगा, स्टार्टिंग में 5-7 दिन थोड़ा स्लो रहेगा। मैम, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आज आपने भी शॉप खोली है, क्या लग रहा है कि कितनी उम्मीद है कि जो गर्ल्स काफ़ी लंबे समय से नेल आर्ट्स नहीं करा पाई हैं कि वो अब आएंगी और कराएंगी? वो ज़रूर कराएंगी, सब लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं और वो मेरे ख्याल से इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, नेल डिस्ट्रिक्ट खुल चुका है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से सुविधाएं यहां पर दी गई हैं, लेकिन अब समय है तो केवल ग्राहकों का इंतज़ार का समय शोरूम मालिक कर रहे हैं कि कब ग्राहक आए और कब जो 3.5 महीने बाद लंबे अंतराल के बाद उनकी बिक्री जो है वो शुरू हो गई। और ऐसे में अब देखना होगा कि आखिरकार जो लोग हैं वो कब तक आ पाते हैं, लेकिन फिलहाल हम ये ज़रूर कहेंगे कि मॉल में जितने भी शोरूम संचालक हैं उन्होंने अपनी अपनी दुकानें जो हैं यहाँ पर खोल दी हैं। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।